गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अनलॉक वन में जारी गाइडलाइन 30 जून तक प्रभावी रहेगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 30 जून के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। एडीएम सिटी ने दुकानदारों से अपील की है कि दुकान के सामने अतिक्रमण ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कोरोना संक्रमण पर रोक लगाया जा सके। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अगर कोई गाइडलाइन और रोस्टर का उल्लंघन करता है तो कोविड-19 के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये रोस्टर 30 जून तक अभी लागू रहेगा। इसके बाद देखते हुए कोरोना की क्या स्थिति है, संक्रमण की, उसके उपरांत ही कोई निर्णय होना लिया जाएगा। सर, दुकानों को क्या क्या ध्यान रखना होगा? दुकान को ये ध्यान रखना है कि दुकानदार अपनी दुकान का सामान अपनी दुकान की सीमा से बाहर ना रखें, ना ही फुटपाथ पे रखें और ना ही बाहर से सामान लटका देते हैं, ये सब ना रखें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। दुकान में जो भी पैसेंजर आएगा, ना तो उसकी व्हीकल और ना ही ओनर, दुकान के ओनर की व्हीकल वहाँ पर सामने दुकान के खड़ी होगी, वो एक सुरक्षित स्थान पे पार्किंग स्थल में लगाएं और वहाँ पर मत खड़ी करें, ताकि रोड पर चलने का पर्याप्त जगह रहे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी प्रकार से जियोपार्डाइज ना हो। सर, कोई रोस्टर तोड़ दिया, अगर दुकान खोलता तो रोस्टर तोड़ेंगे तो उसके खिलाफ कोविड नियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकान भी सील कर दी जाएगी।